नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। और हम पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जाम के। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो जिस जैसे सेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, जिस जिस चैप्टर से आते हैं, उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स जितना भी टेस्ट में जो आया हुआ है वही हम पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये है आपकी मैथ की क्लास, एक रीजनिंग की क्लास होती है आपकी प्रीवियस ईयर पे और एक मैथ की क्लास होती है, ये डेली होती है बच्चे। चलो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर कोई भी कमी हो तो आप कॉमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 50 से 65 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो खुद से, खुद को और एक को छोड़कर किसी से भागना हो। ठीक है, तो खुद को और एक को छोड़कर के किसी से भागना हो वो होती है अभाज्य संख्याएं। बाकी क्या होती है, तो बाकी भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, तो आप 50 से 65 के बीच में, तो ना तो 50 ना 65, तो 51 से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आएगा 53 53, फिर आएगा 59 59, और फिर कौन सा आएगा 61 61। तो इन सब का सम बताना है, तीन ही अभाज्य संख्याएं आएगी इनके बीच में और इनका ही आपको क्या बताना है, सम बताना है। तो वो कितना होगा, तो वो आपको पता है 100 160 12 और 1 13 173 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 173 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपको आंसर करना है, इसका कोई और तरीका नहीं है बच्चे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका एपी जीपी से, 2 + 4 + 6 ये ऐसे करते करते 40 तक आपको बताना है, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है Sn का फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, n कितना होगा, तो 2 से स्टार्ट किया 40 तक, 2-2 का गैप है, आपको भी पता है संख्याएं कितनी होंगी, 20 होंगी। ठीक है, कितनी संख्याएं होंगी, 20 संख्याएं होंगी, तो n की वैल्यू आपके पास 20 है। n अपॉन में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों है, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला ही लगाएंगे। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2, लास्ट टर्म आपके पास क्या है 40। ठीक है, तो ये तो कट गया 10 पर, ये कितना हुआ 42 × 10 = 420 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ना दी होती, ए दिया हुआ होता, डी दिया हुआ होता, एन दिया हुआ होता, तो क्या लगाते, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 × 2a प्लस एन माइनस 1 × d, ये लगा देते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू नहीं दी होती, ए और डी की वैल्यू दी होती, तो एन की वैल्यू आप निकाल सकते थे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × d। इस केस में आपको लास्ट टर्म भी दी हुई होती साथ में। ठीक है, और ए और लास्ट टर्म दी होती तो एन निकालने की वैसे जरूरत थी, तो आप आराम से वैसे भी यहां से निकाल सकते हो। होता क्या है, एन अगर निकालना हो तो लास्ट टर्म यानी ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये होता है, उसी फॉर्मूले से आएगा। ए एन इधर है, ए को लाइक क्या हो गए, माइनस ए हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में डी आकर के डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस 1 है तो ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, 3/4 2/3 3/4 2/3 4/7 और 5/3, कौन सा भिन्न सबसे छोटी है, ये आपको बतानी है। जब भी ये पूछा जाए बच्चे आपसे कि इसमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो आपको करना क्या है, तो सबसे छोटी चाहिए ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो दो भिन्न के बीच में। यहां से कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इन दोनों में छोटी कौन सी, तो ये वाली। ठीक है, ये वाली छोटी आ गई है, तो अब इससे चेक करते हैं, ये जो नंबर छोटा आएगा ना वो छोटी होगी, जो बड़ा आएगा वो बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको तो अब देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे छोटी चाहिए, तो इन दोनों में ये छोटी है तो ये चाहिएगी हमें। अब इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 × 3 = 12 और 7 × 2 = 14, ये आ गया जी 14, ये आ गया 12, तो इन दोनों में छोटी कौन सी, तो ये वाली। तो अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो।
इन दोनों में चेक करते हैं, इन दोनों में चेक करोगे तो 7 × 5 = 35 और 4 × 3 = 12। अब भी ये छोटी आ रही है तो ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, यानी इसको छोड़ो, 4/7 क्या होगी आपका आंसर होगा, 4/7 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और यही आपको करना है आंसर, तो इस तरह से आपको भिन्न वाले क्वेश्चंस का आंसर करना है। चलो, ये कहता है लघुतम समावर्तक बताओ किसका, 2/3, 4/7 और 12/35 का, ठीक है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो जब भी फ्रैक्शन में आपसे, भिन्न में आपसे एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम करते हैं, नीचे वाले का क्या कर देते हैं, एचसीएफ कर देते हैं। एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे, और जब आपसे भिन्न में एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ लोगे और नीचे वाले का एलसीएम लोगे, ये तरीका रहता है, ठीक है। तो एलसीएम इन तीनों का क्या होगा, 2, 4 और 12 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, 3, 7 और 35 इनका एचसीएफ लोगे तो इनके अंदर जो कॉमन क्या है, तो कॉमन तो इनमें और तो कुछ है ही नहीं, एक ही कॉमन है तो वो एक ही होगा, ठीक है। तो 12 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, 12 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पहला ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बच्चे, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, देखो किस तरह से करना है इसको। तीन गुना में 7, तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास याद रखना है कि ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ होता है, ठीक है, और फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो ब्रैकेट है, ना डिवीजन है, ना ऑफ है, कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 3 कितना हो गया, 21, और 5 × 2 = 10। यहाँ पर नीचे सबसे पहले आपको डिवीजन दे रखा है, तो डिवाइड करोगे, 8 को 4 से भाग करोगे, 2 आता है, और फिर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, तो कितना हो जाएगा, 31/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बोर्ड मार्क्स ध्यान में रखते हुए करना है, अगर आपने पहले प्लस कर दिया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है कौन सी संख्या 100 के 80%, 100 का 80% 80/100 हो गया भाई, ठीक है, से 30% कम है, 30% कम है, इसका मतलब क्या है कि जी संख्या 30% कम है तो बच्ची कितनी, 70%, तो उसका 70% बताना है आपको, 70/100, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से 56 होता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, 100 का 80% 80 होता है, 30% कम है, 30% निकाल लो, कितना आएगा, 24 आएगा, 80 में से 24 घटाओगे तो भी 56 आएगा, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो कहता है कि जी 15,000 रुपए पी क्यू आर के बीच में विभाजित किए गए हैं, पी का हिस्सा तथा क्यू का हिस्सा कितना है, तो पी और क्यू के हिस्से का जो रेशो है वो 2:1, ठीक है, और Q का हिस्सा तथा R का हिस्सा, तो Q और R का जो रेशो है वो कितना है, 4:3, इनके अनुपात में है, Q को कितनी राशि प्राप्त हुई है ये आपको बताना है, तो रेशो आपको तीनों का निकालना पड़ेगा, तो इस 4 को यहां पर लिख देते हैं, इस 1 को यहां पर लिख देते हैं, 4 × 2 = कितना हो गया, 8, 4 × 4 = 4 मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 × 3 = 3, ये आ गया रेशो 8, 4 और 3, तो 8 और 4 = 12 और 3 = 15, यानी रेशो के अंदर टोटल हो रहा है 15, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जी 15 नहीं 15,000 बांटे गए थे, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 1,000 हुई, ठीक है, तो Q को कितना राशि मिलेगी वो आपको बताना है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 होगी, एक मिनट में, पी क्यू का हिस्सा 2:1, क्यू का हिस्सा और आर का हिस्सा 4:3, यही होगा भाई, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था 3,000, 6,000 की जगह 3,000 होना चाहिए, ठीक है, 3,000 इसको मिलेंगे, तो इसको कितने मिलेंगे, इसको 4,000 मिलेंगे, और इसको कितने मिलेंगे, तो इसको 8,000 मिलेंगे,
ठीक है, टोटल कितने हो गए? टोटल 15,000 हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन आप ठीक कर लेना, इसको 3,000 रुपये मिलेंगे। किसको? क्यू को पूछा है ना, ठीक है, वो आर का निकाल दिया। एक मिनट, क्यू का हिस्सा कितना है? 4 है, तो 4,000 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, एक की वैल्यू 1,000 है, तो 4,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है भाई। क्यू का हिस्सा रेशो में कितना? 4, इसको 4,000। पी का हिस्सा रेशो में कितना? 8, तो 8,000। ठीक है, इसका 3 है रेशो में हिस्सा, तो आर का हिस्सा 3,000 रुपये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है 20 लड़कों को एक समूह के औसत आयु कितनी थी? 15 थी। 20 लड़कों की औसत आयु कितनी थी? 15 थी। ठीक है, यदि एक लड़का समूह छोड़ देता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है? अब 19 लड़कों की जो औसत आयु है ना, वो कितनी हो जाती है? 14.5 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक लड़के ने तो समूह छोड़ दिया, तो समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु कितनी थी, ये आपको बताना है। तो 20 लड़कों की आयु 15 थी, यानी वो 15 वर्ष तो खुद के लेके ही आया था भाई, और उसके जाने से इनकी आयु भी औसत जो है वो कम हो गई। ठीक है, कम हो गई, इसकी वजह क्या रही होगी? तो 0.5 हर एक की आयु में जो ऐड हो रहा था वो उसकी आयु की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो ये कितने लड़कों की आयु में 0.5 ऐड हो रहा था? ये 19 लड़कों की आयु में 0.5 ऐड हो रहा था, यानी कितना टोटल हो गया? तो 19×5=95, यानी 9.5, यानी 9.5 वर्ष उसके अंदर और ऐड हो रहा था। इस वजह से इनकी औसत भी क्या हो जा रही थी? 15 हो जा रही थी। ठीक है, तो वो 15 वर्ष तो खुद के लेके ही आया था, 9.5 वर्ष इनके लिए भी लेके आया था, जिससे इनकी वर्ष आयु जो है, जो औसत है, वो 14.5 से 15 हो गया। ठीक है, तो 15 प्लस क्या करोगे? 9.5 करोगे, 24.5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे डिटेल से निकालोगे तो 15 गुना में 20 करना है, 19 गुना में 14.5 करना है, और दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, लेकिन वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। 6,000 की एक राशि 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, 6,000 रुपए दिए हैं, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, यानी ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो पहले वर्ष क्या होगा? तो पहले वर्ष तो 10% के हिसाब से ब्याज होगा कितना? 600 रुपए। दूसरे वर्ष वो 10% तो लगना ही है भाई, कितना? तो इसका 10% निकालोगे, 600 रुपए। लेकिन ये जो ब्याज बना है ना, इस पर भी ब्याज लगेगा। किस हिसाब से? तो 10% के हिसाब से। और 600 का 10% निकालोगे, 60 रुपए, तो कितना हो गया टोटल? 1,260 रुपए हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 1,260 रुपए ब्याज हो गया इसका। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। 30% तथा 10% की दो कार्मिक छूट देने पर निवल यानी नेट छूट कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब आपको 2% दी हो और नेट परसेंट निकालना हो, तो आप फॉर्मूला यूज करना, x+y + xy/100। अब इसके अंदर साइन चेंज कैसे करने हैं? अगर कोई संख्या घट रही है, जैसे छूट में घटती है ना, तो घट रही है तो माइनस यूज करेंगे, बढ़ रही है तो प्लस यूज करेंगे। ठीक है, क्या कहता है? 30% की छूट दी, यानी 30% पहले माइनस किया। ठीक है, फिर 10% की और छूट दी, यानी 10% और माइनस किया, प्लस x की वैल्यू कितनी है? -30 है, y की वैल्यू -10 है, बटे में 100, 0 से 0 कट जाएंगी दोनों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, ये प्लस का 3 है, और ये -10 -30 कितना हो गया? -40 + 3, यानी -37। और ये -37 का मतलब क्या है? कि जिस छूट दी गई है, यानी वो संख्या घटी है, कितना? 37%। तो आपको वो आंसर करना है, कितना घटी है जी? 37% घटी है। ठीक है, चलो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं बच्चे पेपर में। एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, यानी जितने रुपए का लाभ हो रहा था वहां पर, उतने ही रुपए की यहां पर हानि हो रही है। ठीक है, तो जो आपका क्रय मूल्य है, लाभ और हानि तो क्रय मूल्य से ही होता है ना भाई,
क्रय मूल्य से जितने कम में बिकी उतनी हानि, और क्रय मूल्य से जितने ज्यादा में बिकी उतना लाभ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रहा होगा भाई क्रय मूल्य, तो किसके बीच में, तो 900 और 500 के बीच में, तो कितना होगा, तो 700 होगा। कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के दो से भाग कर दो, 1400 बटे में दो, 700 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यानी सीपी आपका कितना आ गया, सीपी है आपका 700 रुपए। अब क्या करना है, तो अब ये कह रहा है कि जी 30% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो क्रय मूल्य 700 रुपए है, 30% लाभ कमाना है, यानी आप 130 की वैल्यू निकाल दो सीधा, चाहे 30% की वैल्यू निकाल के जोड़ दो, ठीक है, 20 से 20, तो 1391,910 रुपए, ठीक है। 700 का 30% निकालोगे 210 होगा ना, वो 210 आप जोड़ भी सकते हो 700 में, तो भी कितना हो जाएगा, 910 हो जाएगा। किसी भी तरह से करो आपको आंसर मिल जाएगा। जो आपका एडवांस मैथ से क्वेश्चन आता है वो इसी तरह का एक ही क्वेश्चन आता है, बाकी कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है। और वो भी रेशो से रिलेटेड ही, मान लो रेशो वाले में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है, चौड़ाई जो है ब्रेथ जो है वो लंबाई की 4/5 है, तो आपको पता है कि जी ब्रेथ अपन में लेंथ कितना हो गया, 4/5, यानी अगर लेंथ आप 5 लेते हो तो ब्रेथ कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि जी अगर आपने 5x लेंथ मानी है तो 4x क्या मान लोगे, ब्रेथ मान लोगे। इसका पूछा क्या है, तो इसका पूछा है चौड़ाई और लंबाई का अंतर पूछा है, तो वो 1x हो जाएगा, यानी आपको 1x की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। और दिया क्या है, तो क्षेत्रफल दिया है, तो होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई कर दो, 5 × 20 एक्स स्क्वायर बराबर किसके है, 500 के, तो 0 से 0 कट जाएगी, ये कटा 25 पे, एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, और इसी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए थी क्योंकि वही है डिफरेंस, तो 5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कहा है मीटर, ठीक है, तो 5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक अन्य कार समान दूरी को कितने समय में तय करेगी, ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, कैसे आएगा भाई, स्पीड इनटू में टाइम होता है, स्पीड कितनी दे रखी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, तो कितना दे रखा है भाई, 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे हो जाएगा, तो 250 कितना हो गया, 250 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। अब कहता है कि जी अगर स्पीड 60 किलोमीटर की हो, दूसरी कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो आपको बताना है कि जी कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर लेगी 250 किलोमीटर का, तो आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 250 बटे में 60, 10 से 10 25/6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 25/6 घंटे में वो डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। पी और क्यू ने एक व्यापार में 4:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की, पी और क्यू 4:7 में पूंजी का निवेश करते हैं किसी व्यापार में, ठीक है। पी ने 21 माह के लिए निवेश किया, पी ने कितने माह के लिए, 21 माह के लिए, ठीक है, और जो पी और क्यू का जो लाभ हुआ था वो किस रेशो में बांटा गया, 3:5 में बांटा गया, ठीक है, अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है उनको, तो क्यू ने कितने महीनों तक आपको बताना है निवेश किया था, तो हमने मान लिया कि जी एम महीनों तक निवेश किया था। अब जिस रेशो के अंदर निवेश की जाती है राशि, उसी रेशो के अंदर आपका लाभ बांटा जाता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 21 बटे में 7 × m किसके बराबर होना चाहिए, 3/5 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी रेशो में बांटा जाएगा, तो 7 दिए
और ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, एम बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 20, यानी 20 महीनों के लिए निवेश किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलें भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक नल पी तथा आर एक टंकी को, दो नल हैं पी तथा आर एक टंकी को 16 घंटे में तथा 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल एस उसी टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में कितने घंटे में भर जाएगी, ये आपको बताना है। पी और आर है भरने वाले, ठीक है, कितने घंटे में भर सकते हैं, पी भर सकता है 16 में और आर भर सकता है 24 में, और एस जो है वो खाली करने वाला है, तो वो 48 घंटे में इसको खाली कर देता है। माइनस आप लगा लो कि वो खाली करने वाला है, ठीक है। इसके लिए अब आपको एलसीएम लेना है, यानी टोटल वर्क कितना होगा, तो 16 24 48 का एलसीएम हो जाएगा 48। पी का एक घंटे का काम निकालना है, यानी 48 बटे में 16 करोगे तो 16 3 48, 3 पे कटेगा, यानी एक घंटे में 3 काम कर रहा होगा तभी तो 16 घंटे में 48 काम कर लेता है, ठीक है। आर का अगर आपको एक घंटे का काम निकालना है तो वो 48 बटे में 24 करोगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एस का एक घंटे का काम, तो 48 बटे में 48 एक, लेकिन ये क्या कर रहा है, भर नहीं रहा, ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो अब तीनों नल को साथ में खोला जाता है, यानी पी प्लस आर माइनस एस होगा ना, क्यों, क्योंकि ये तो खाली कर रहा है, और तीनों का काम इकट्ठा अगर हम निकालते हैं यहां से, तो 3 और 2 5 - 1 4, यानी 4 हिस्से भरे जाएंगे। अगर एक घंटे में वो कितना कर रहे हैं, एक घंटे में अगर भरने का काम, ये दोनों 5 लीटर भर रहे हैं, तो एस 1 लीटर खाली भी तो करेगा ना, तो उसके अंदर कितने लीटर पानी रहेगा टंकी में, 4 लीटर, यानी एक घंटे में 4 लीटर पानी रहता है, तो 48 लीटर पानी अगर उसमें भरना हो, तीनों मिलकर के एक घंटे में 4 लीटर पानी भर पाते हैं, तो आपको बताना है कि जी कितने घंटे में ये भरा जाएगा, तो 12 × 48, तो 12 घंटे लगेंगे, तो 12 घंटे इसको भरने में लग जाएंगे, अगर तीसरा पाइप जो है वो इसको खाली भी कर रहा है। तो ये था आपका बच्चे अंतिम क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।